जगह छोटा पड़ गया हम लोगों के लिए। मानते हैं कि गांधी मैदान में करना चाहिए। हाँ, हमसे गलती हुई ये मीटिंग को गांधी मैदान। जो लोग नीतीश कुमार को यह कहते हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं, ये सब दलित अति पिछड़ा विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इनके लिए काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जेडीयू की ओर से भीम संसद का आयोजन हुआ, जेडीयू की बड़ी रैली हुई पटना के वेटनरी मैदान में, जहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खूब भीड़ जुटी, लाखों की संख्या में लोग यहाँ जुटे, जिसके बाद नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी की जमकर तारीफ की है। अशोक चौधरी ने भी उन्हें अपना मानस पिता बताया है, बिहार का मानस पिता बताया है। और बीजेपी के लोग जो महिला विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, वही नीतीश कुमार को अब मार बता रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वाली बीजेपी को अशोक चौधरी ने इस कार्यक्रम के बाद कड़ा जवाब दिया, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। अशोक चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं, सुमित सिंह हैं। नीतीश कुमार ने खूब तारीफ की, 2 लाख लोग पहुंचे, ऐसी रैली आज तक 18 साल में उन्होंने देखी। बड़प्पन है नेता का, बड़प्पन है नेता ने तो इससे बड़ा बड़ा रैली किया है। लेकिन महादलितों का, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, ये बहुत लंबे समय के बाद हुआ है। निश्चित रूप से नेता प्रसन्न हुए हैं, काफी खुश थे। उन्होंने कहा कि 18 साल वो मुख्यमंत्री रहे, ऐसी तस्वीर उन्होंने देखी है, आप कैसे ऐतिहासिक रैली ने। वो तो हम लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसा बोले हैं। नीतीश कुमार ने तो इससे बड़ी बड़ी रैली देखी है, लेकिन फिर भी उनका भावना हम लोगों के लिए अच्छी थी। और नहीं, जगह छोटा पड़ गया हम लोगों के लिए। मानते हैं कि गांधी मैदान में करना। हाँ, हमसे गलती हुई ये मीटिंग को गांधी मैदान। देखिए, हम लोग दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं, कुपुत्रो जायत न कपीति कुमाता न भवती। तो हम लोगों ने अपने नीतीश जी को मानस पिता माना है और मानते हैं कि इन 18 वर्ष में पिता जिस तरह अपने पुत्र को संभालता है, संस्कार देता है, आगे बढ़ाता है, उस तरह से इस प्रदेश के महादलितों को नेता ने पाला है, पोसा है। तो पिता से कैसे गलती होगी, पिता तो हर बार। सवाल है, जेडीयू को हम लोगों ने जब भी देखा है, जेडीयू की निंदा हुई, आपको लगता है कि ये जेडीयू बदली हुई जेडीयू है? जो तस्वीर आप देखिए, ये जेडीयू बदल चुकी है। बदली यही तो अपने अपने पार्टी के ही सब लोगों ने मदद किया है ना, हमारे विधायक मंत्री सबका सहयोग रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत से ऐसे जो नीतीश की विचारधारा पर जो लोग विश्वास करते हैं, उन सब लोगों ने मदद किया और ये रैली सफल हुई। और पूरे जो माननीय नेता ने जो इनर एक महीने में जो काम किया है, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उससे लोगों में उत्साह है, माननीय नेता के प्रति भावना है, माननीय नेता के प्रति प्रेरणा है। और उसको उस सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए अपने आने वाले भविष्य के को देखते हुए, उनके प्रति एकजुटता दिखाते हुए सब लोग आए यहाँ पर। नित्यानंद राय के बातों को बहुत हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। उस भारतीय जनता पार्टी में तो अपनी ही गुटबाजी है, सम्राट चौधरी का गुट अलग है, नित्यानंद राय का, वो अपना ना देखे पहले। हम लोग तो साथ हैं, मंच पर साथ हैं, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को फूल दिए, सॉल दिए, उनको पैर छू के प्रणाम किए। हमारे लिए काहे के लिए कह रहे हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। बड़े भाई हैं, कभी ना कभी डांट सकते हैं, डांटने में कोई, बड़े भाई पिताजी घर में डांटते ही हैं, बच्चा रुसता ही है, फिर बाबू जी मना लेते हैं। तो हम तो, मेरा तो पारिवारिक है, हम आप अपना ना देखिए आपका क्या हो रहा है। ये कहना कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, नहीं, बीजेपी के कार्यक्रम की भी कल तस्वीरें एक नजर आई। हम भारतीय जनता पार्टी पे कुछ कहना नहीं चाहते, लेट हिम हैंडल देयर ओन पार्टी। नीतीश कुमार को देखा, कई लोग बीजेपी के कहते रहते हैं सर ये नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, जो आपके नेता की वो कहते रहते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है? आज तो उनको देखे ना भाषण करते हुए, क्या भाषण, क्या किस तरह से उन्होंने बातों को रखा, किस तरह से उन्होंने अपनी बात को कहा। तो नीति, ये सब तो भ्रामक प्रचार है ना, बेबुनियाद प्रचार है, क्योंकि ये लोग सब दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं। जो लोग नीतीश कुमार को यह कहते हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं, ये सब दलित अति पिछड़ा विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इनके लिए काम करते हैं, इन लोग को पच नहीं रहा है नीतीश कुमार, इसलिए ऐसा बोलते हैं। तमाम तस्वीरें आपको कार्यक्रम की दिखा रहे हैं, कैसे भव्य कार्यक्रम हुआ है, भीम संसद का आयोजन हुआ है। और उसके बाद नीतीश कुमार ने जब खुलकर तारीफ की है, तो उसके बाद अशोक चौधरी ने फिर उनका शुक्र अदा करते हुए क्या कहा है इस कार्यक्रम के बाद, रैली के बाद। आपने सुना है 2 लाख की संख्या में भीड़ पहुंची थी, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भीड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये भीड़ ही बता रही है रैली फ्लॉप है या हिट है या सुपर हिट है, ये तय जनता करेगी, आप करेंगे। भीड़ की तस्वीरें देखिए और तय कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।